अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम एक बड़ा अपडेट आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स श्रीनगर की तरफ से जो एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए आई है, कल शाम लगभग रात के 10 बजे इसको अपडेट कर दिया गया है। तो इसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्या प्रोसेस रहने वाली है, एंट्रेंस होगा या मेरिट होगा, कौन कौन से कोर्स हैं, क्या इनटेक कैपेसिटी है उनकी, और आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट होने वाली है। तो वीडियो में आप पूरे एंड तक बने रहिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके टेलीग्राम भी ज्वाइन कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहां पे आप देखें एडमिशन नोटिफिकेशन नंबर 1/2022 फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड आईपीजी मतलब इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। तो जो एडमिशन प्रोसेस आपकी रहने वाली है वो अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी यहां पे रहने वाली है। तो इसको हम मोटा मोटा मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। जो एडमिशन प्रोसेस आपकी है वो 2 स्टेजेस में कंप्लीट होगी। स्टेज 1 में आपको जो है मेजर सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा इंटीग्रेटेड के भी और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट यहां पे है, इंटीग्रेटेड अंडर ग्रेजुएट यहाँ पे नहीं है। उसके बाद जो स्टेज 1 में अगर आप मेजर सब्जेक्ट चूज करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट केमिस्ट्री में ऑनर्स करना चाहता है तो उसको मेजर सब्जेक्ट जो है केमिस्ट्री चूज करना पड़ेगा। अभी मेजर सब्जेक्ट किस तरह से चूज करना है जो ही लिंक एक्टिवेट हो जाएगी मैं उसी टाइम आपको समझा दूंगा किस तरह से चूज करना है। उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट ऑनर्स करना चाहता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में तो उसको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ही मेजर सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। देन अगर कोई इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम यानी इंटीग्रेटेड पीजी जूलॉजी में करना चाहता है तो उसको मेजर सब्जेक्ट है वो जूलॉजी ही चूज करना पड़ेगा। स्टेज 2 में क्या रहने वाला है आपको, जो आपको सब्जेक्ट जो मेजर सब्जेक्ट चूज करोगे उसके बेस पे जो सिलेक्शन होगी वो उसको जो है यहाँ पे उसकी काउंसलिंग वगैरह के बाद आपको कॉलेजेस मिलेगा। वंस एंड सेम शैल बी ऑफर्ड ऑन द पूल अवेलेबल कोर्सेज एप्लीकेबल, ये आप खुद देख सकते हैं, इसको देखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो डेट्स पे हम आ जाते हैं, जो मेन टॉपिक है हमारा कि कब से आपके फॉर्म्स लगने वाले हैं और क्या प्रोसेस रहने वाली है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मर्स जो कॉलेज की वेबसाइट आ जाएंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्मर्स ऑन कॉलेज वेबसाइट, 1 जून से आपके फॉर्मर्स जो है वो लगना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी मंडे नहीं, ट्यूजडे को, मंडे को 31 मई है और ट्यूजडे को आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्मर्स कॉलेज की वेबसाइट पर लगाने हैं और 8 जून इसकी लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाले और पूरा पूरा आपको 1 हफ्ता यहाँ पे मिल जाएगा अपना फॉर्म लगाने के लिए। इन डेट्स को एक्सटेंड नहीं कराया जा सकता है। तो आप जो ही लिंक एक्टिवेट हो जाएगी हम वीडियो जो है शाम को डालेंगे, क्योंकि पहले दिन क्या होता है कि साइट में कुछ एरर्स वगैरह होते हैं, इसलिए नेक्स्ट डे आप वीडियो आ जाएगा तो आप उसको भी एक बार देख लीजिए। तो देखने के बाद आप अपना फॉर्म जो है वो फिलअप कर देना है। उसके बाद क्लोजर ऑफ सबमिशन यानी लास्ट डेट जो है वो 8 जून को रहने वाली है। उसके बाद सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी, जो ही आप अपना फॉर्म फिलअप करोगे वहाँ से आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगी और उसके साथ आपको सर्टिफिकेट्स जो हैं आपकी वो यहाँ पे आपको 1 जून से लेकर 9 जून तक कॉलेज में जाके वो सबमिट करवानी है। यानी कि जो ही आप अपना फॉर्म लगाओगे हार्ड कॉपी मिल गई अलॉन्ग विद अपनी मार्कशीट वगैरह जो भी हैं उनको ले जाना है और कॉलेज में सबमिट कर देना है। तो मैं आपको जो ही मैं बोल रहा हूँ, जो लिंक एक्टिवेट हो जाएगी मैं वीडियो डालूंगा उसमें मैं समझा दूंगा कौन कौन डॉक्यूमेंट हैं, क्योंकि वो उसी टाइम लिखा होगा तो वो मैं आपको बता देता हूँ उस टाइम। इशुएंस ऑफ जनरल रोल ऑर्डर ऑन कॉलेज वेबसाइट, जो मेरिट लिस्ट आपकी है वो 15 जून को आ जाएगी। उसके बाद इनविटेशन ऑफ ऑब्जेक्शंस, अगर किसी स्टूडेंट को मेरिट लिस्ट में रोल नंबर सॉरी मार्क्स वगैरह गलत लिखे हैं 12th के मार्क्स, तो वो ऑब्जेक्शन कर सकता है, उसको ठीक करा सकता है। यानी कि 17 जून तक अपना वो ठीक करा सकता है। इशुएंस ऑफ फाइनल रोल ऑर्डर एंड फाइनल मेरिट लिस्ट जो है आपकी 18 जून को आ जाएगी। और उसके बाद जैसे आपको पता होगा मेरिट लिस्ट के बाद सिलेक्शन लिस्ट आने वाली है, सिलेक्शन लिस्ट जो आपकी यहाँ पे रहने वाली वो 21 जून को यहाँ पे आपको फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी फर्स्ट राउंड की। तो अभी मैं बता देता हूँ आपको कि मेरिट होगा या एंट्रेंस होगा वो भी मैं बता देता हूँ, और मेरिट लिस्ट कौन से मार्क्स के बेस पे बनेगी वो भी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसके बाद जो ही मेरिट लिस्ट सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी तो उसके बाद आपके जो स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो जाएंगे उनके एडमिशन फॉर्मेलिटीज मतलब कि प्रिस्क्राइब्ड एडमिशन फी वगैरह जो भी होगी वो 17 जून को उन्होंने सबमिट कर देनी, यानी 17 जून तक वो अपना जो फी वगैरह है वो यहाँ पे सबमिट करनी होगी। उसके बाद इशुएंस ऑफ सब्सिक्वेंट सिलेक्शन लिस्ट अवार्ड प्रोग्रेशन जो है वो 30 जून यानी अगर वो सीट वगैरह वैकेंट होगी उसका देख लेंगे। उसके बाद काउंसलिंग प्रोग्राम फॉर सिलेक्टेड कैंडिडेट, जो ही आप जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए उनकी जो काउंसलिंग रहने वाली है आपको 15 जुलाई से लेके 20 जुलाई तक यहाँ पे काउंसलिंग आपकी चलेगी। कंडक्ट ऑफ प्रीक्वेस्ट कोर्सेज इन लाइट, तो इसको छोड़ दीजिए आप। तो स्टार्ट ऑफ सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन आपके फर्स्ट सेमेस्टर के होंगे, सॉरी क्लास वर्क जो आपका रहने वाला वो 1 अगस्त से स्टार्ट रहने वाले और एग्जामिनेशन आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं वो 1 दिसंबर यानी अगस्त से लेके दिसंबर तक आपका 1 सेमेस्टर चलेगा।
तो जो डिग्रीज यहाँ पर रहने वाली है इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज, तो इसको क्या प्रोसीजर रहने वाला है, तो इनको मैं एक सेपरेट वीडियो में कल डिस्कस करूँगा। आप एक बार उसको भी देख लीजिए, उसको देखने के बाद ही आप अपना फॉर्म जो है वो फिलअप कर देना। तो थोड़ा थोड़ा मैं और यहाँ पर समझा देता हूँ। तो इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जो है वो लेवल 9 की होगी और इसमें मोड जो रहने वाला है 4+1 रहने वाला है। ये 4+1 क्या रहने वाला है मैं आपको कल वाले वीडियो में समझा दूंगा। और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो आपको पता है वो 3+1 होता है, तो मैं ही आपको कल समझा दूंगा इस 4+1 का मतलब क्या है, 4 में क्या आ जाएगा और 3+1 में क्या आ जाएगा, इसको हम कल देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख लेंगे आप आउटकम एग्जिट प्रोग्राम है, जो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया कि मल्टीपल एग्जिट्स हैं। फर्स्ट ईयर के बाद आपको डिप्लोमा मिलेगी, सेकंड ईयर के बाद आपको फर्स्ट ईयर के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगी, सेकंड ईयर के बाद आपको डिप्लोमा मिलेगी। अगर आप थर्ड ईयर तक करना चाहते हो तो डिग्री मिलेगी, अगर उसके बाद आप फोर्थ ईयर भी करोगे उसमें तो आपको बैचलर्स विद ऑनर्स या रिसर्च भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद अगर जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट में भी एक साल देना है तो उनको जो है पोस्ट ग्रेजुएट की भी उसके साथ डिग्री मिलेगी। तो यहाँ पर इनटेक कैपेसिटी जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे, उसको अगर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहां पे इनटेक कैपेसिटी और ये 3+1 4+1 क्या है वो मैं कल आपको समझा देता हूं। तो वीडियो में हम यहीं पे खत्म कर लेते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। इंटीग्रेटेड में और अंडर ग्रेजुएट में कितने कोर्सेज हैं, कौन किसकी क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है और क्या गाइडलाइंस आपको रहने वाली है, वो सारी मैं कल आपको समझा देता हूं। तो यहाँ पे आप देखें कुछ गाइडलाइंस है रिगार्डिंग सिलेक्शन प्रोसेस। तो सेकंड नंबर की जो गाइडलाइन है इसको देख लीजिए, इससे आपको क्लियर होगा कि मेरिट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे इंट्रेंस होगा या नहीं होगा, तो सिलेक्शन ऑफ प्रेफर्ड मेजर कोर्सेज शैल बी कैरियड आउट ऑन मेरिट बेसिस। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि मेरिट बेस यहाँ पे मैंशनड है, दैट मीन्स कि इंट्रेंस यहाँ पे नहीं होने वाला, यहाँ पे मेरिट ही रहने वाला है। आपको 12th के मार्क्स के बेस पे यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी और अंडर ग्रेजुएट 4+1 के लिए भी। तो बाकी गाइडलाइन जो भी रहती है वो हम कल वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे और इनटेक कैपेसिटी वगैरह भी हम कल डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं खत्म कर लेते हैं, होपफुली आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सभी सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम भी।